न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड आइसोलेशन से आजाद, खिलाड़ी आज क्वींसटाउन पहुंचेंगे। 14 रोज आइसोलेशन में क्रिकेटर के 5 मरतबा PCR और 1 मरतबा ब्लड टेस्ट लिया गया। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 18 दिसंबर से शुरू होगी। असेंबलियों से इस्तीफे या लॉन्ग मार्च, ऑपोजिशन इतिहाद आज फैसला करेगा। मौलाना फजल रहमान के जेर सदारत PTM के इजलास में मरीम नवाज भी शिरकत करेंगी। मियां नवाज शरीफ का वीडियो लिंक खिताब होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेश किया जाएगा। वकील सफाई 3 गवाहों पर जराह करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा। लाला मूसा घारियां, गजर डेरा इस्माइल खान में बूंदाबांदी। लाहौर मियांवाली सरगोदा खुशाब भक्कर झंग में भी आज बादल बरसने की तवक्को। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची का मौसम भी बदल गया। सुबह के वक्त धुंध और सर्दी, गैस के बहरान में शिद्दत आ गई। रिहायशी इलाकों में कम प्रेशर की शिकायत। शाह फैसल को रंगीन और नाजमाबाद FB एरिया और दीगर इलाके मुतासर। दानिश कनेरिया की क्रिकेट में वापसी की एक और कोशिश। डोमेस्टिक लीग और कौमी क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। छोटी बहन में शायरी करने वाले बड़े शायर नासिर काजमी का आज यौम पैदाइश है। नासिर काजमी ने उर्दू गजल की तजदीद की। कई शोहराए आफाक गीत भी लिखे।